खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज सुबह से ही हो रही तेज बरसात के दौरान कैरावली गांव में कड़ियों के मकान की छत व दीवार ढह गई। हादसे के वक्त मकान के अंदर परिवार के 5 लोग मौजूद थे। छत और दीवार के मलबे में पति पत्नी सहित उनके 3 बच्चे दब गए। छत गिरने से हुए धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मकान गिरने की वजह से 5 वर्षीय बच्ची आंसू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका मकान मालिक ओमपाल, उसकी पत्नी प्रियंका, 11 वर्षीय बेटा सूरज व 8 वर्षीय पुत्री मोनिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान ढहने से घर रखा जरूरत का सामान व खाद्य सामग्री भी मलबे में दबने से खराब हो गई। ग्राम पंचायत ने घटना की सूचना पुलिस व प्रशासन को दी, जिसके बाद इलाका पटवारी ने मौके का निरीक्षण किया। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। K9 मीडिया के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। आ गया जी, आ गया। लग रही हो कमर पर लग रहा गाट क्या नाम है जी आपका? ओमपाल जी। ओमपाल जी, कैसे क्या हुआ है मकान के साथ? मैं तो वो पानी पी रहा था, पानी का डल रहा था, एकदम छत बैठ गई सारी की सारी, मैं पन्नी पाड़ी, मैं बेस हुई गया वहाँ, छोरी भी मर गई। तो कौन कौन सो रहा था अंदर कमरे में? छोरा छोरा था। अच्छा, और छोरी सारे तम थे जी, पांच जने थे जी। सारों को चोट लगी है? हाँ, एक छोरी छोरी मर गई जी। कितने साल की थी वो? 4 साल की। चार साल। कैसे क्या घटना हुई गांव में? ये रात बारिश चली थी ना, जो और सुबह तेज होगी बारिश, तो गरीब आदमी, इसका मकान पहले से ही कच्चा था और मतलब बारिश के कारण ये पूरा मकान फैल गया और फैलने से मकान गिर गया। गिरने से एक बच्ची की मौके पे मौत हो चुकी है और 4-5 साल की बच्ची है, बाकी परिवार घायल है जी। कितने लोग हैं इसमें घायल? इसमें 5 लोग हैं जी, जो एक बच्ची पूरी होगी, 4 घायल है, 4 मौके पे घायल है जी।